नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। एक बार फिर से दिवाली के पटाखों में निकली कुरान की आयत। जी हाँ, गौसिया कॉम्प्लेक्स सील रोड पर रहने वाले यूसुफ भाई के बच्चों ने जब भोलेनाथ नगर परिसर से पटाखे खरीदे और ला करके उन्हें फोड़ा तो उनमें से कुरान की आयतें निकल रही है। शायद आप लोगों को याद होगा कि कुछ वर्षों पहले ऐसी समूह लगन में पटाखे फोड़े गए थे और उसमें से भी कुरान की आयतें निकली थी। आखिर कौन है ये लोग और क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे हैं किसी के धर्म और मज़हब को ठेस पहुंचाने के लिए। मैं हमारे तमाम व्यूवर से विनती करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें और इस चीज़ पर एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई जैसे कि आपको कल एक वीडियो आपने वायरल किए थे सोशल मीडिया पर जिसमें जो दिवाली के वक्त बच्चे लोग बम लाकर फोड़ते हैं तो उस बम में कुरान की आयत आई थी ऐसा बताया जा रहा है उस वीडियो के जरिए, तो आखिर क्या माजरा था आप बताना चाहेंगे हमारे मुमरा कौसा की आवाम को? भाई हमारे कॉम्प्लेक्स के बच्चे जो है ना ये बम पटाखे लेके आए अपना भोलेनाथ से जी, उसको फोड़ने के बाद इसमें कुरान पाक की आयत निकली जी, ये देखिए आप। बिल्कुल ठीक है ना, तो हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसे काम दूसरी बार ना हो यहाँ आपके चैनल के माध्यम से, ताकि किसी की आस्था को ठेस पहुँचे। तो आपने उस भोलेनाथ नगर में जाके दुकान वाले से कुछ बात की? नहीं, उससे बात करके क्या है, वो तो बेचारा वहाँ से लेके आया बेचने के लिए, उसने तो बनाया नहीं। ये बात तो मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं उसका जो वो है वो बताइए ना जरा, प्लास्टिक उसमें वो कंपनी जो है ना जिसमें उसको पकड़ना चाहिए। उस कंपनी का नाम आपको कुछ याद? क्या नाम था भाई? लक्ष्मी कुछ तो नाम है भाई। वो जो बम का जो पैकेट लाए थे उस पे नाम मेंशन रहेगा ना? ये बिल्कुल। तो ये सारे बम में ऐसी आयतें निकली है? हाँ, उसमें जितने भी हमने इतने ही लाए थे बच्चे, पूरे पैकेट तो लाए नहीं उन्होंने, लेकिन आज हमने देखने के लिए वो पैकेट का वो मंगाए थे। अच्छा, किस कंपनी ने बनाया, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ। तो हम ये चाहते भाई सिर्फ हमारा नहीं, ये हमारे धर्म का नहीं, हिंदू हो मुस्लिम हो बिल्कुल, सिख हो ईसाई हो, किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुँचे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं खास करके हमारे मुमरा कौसा की आवाम से भी कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे। जो बच्चे लोग बम वगैरह लेकर जा रहे हैं तो एक बार पहले इस कंपनी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको शायद याद होगा आज से 4 से 5 साल पहले ऐसी एक वाक्या मुमरा कौसा में हुआ था, समूह लगन के वक्त ऐसी आयतें निकली थी। हम पहले नहीं रहते थे, हम लोग 3 साल से ही आए यहाँ पे, तो उस दौरान भी लगभग हजारों बम के अंदर ऐसी आयतें निकली थी जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुमरा की आवाम ने हंगामा की थी और उस कंपनी पर कार्रवाई की गई थी। हम उम्मीद करते हैं मुमरा कौसा की आवाम से कि आपके इस वीडियो के माध्यम से वो लोग आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ को लेकर और उस कंपनी पर तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे। हम अपने चैनल से भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को लेकर मुमरा की पब्लिक, जो मुमरा की आवाम है, उनको अवेयर किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका। वालेकुम सलाम। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाएं।